हसरत में हूँ क्यों जहान में आया पानी हैरत में हूँ क्यों जहान में आया पानी दरिया में है किस लिए समाया पानी दरिया में है किस लिए समाया पानी अब लाख बरस से तो क्या अब लाख बरस अब बरसे तो क्या शबीर ने मरते दम न पाया पानी हैरत में दो लाख फातिमा ज़हरा का पिसर एक फरियाद के सौ खंजरे खूंखार हैं सर एक पतनों के हैं सिनानों की जिगर एक बेदाद को काटे हैं हजारों गुले तर एक कसरत है कि एक जख्म से एक जख्म मिला है लाले का चमन जिस में मुबारक पखिला है लाले का चमन जिस में मुबारक पखिला है तीरों से सुबुक ये है
صدر شاہ صفدر پر خون و قبا صاف ہے تابوت کی چادر گرتا ہے جو پیشانی کا خون ریش سے بہہ کر چلو میں اسے لے اور ملتے ہیں منہ پر چلو میں اسے لیتے ہیں اور ملتے ہیں منہ پر فریاد ہے یہ لب پر امام دو سرا کے جاؤں گا یوں ہی سامنے محبوب خدا کے جاؤں گا یوں ہی سامنے محبوب خدا کے چلے سے شقی تیر لگانے کو پھرا لہو تن سے بہانے کو پھرا زہرا محمد کے رلانے کو پھرا ہوں بہن سے بے تاب توا ہو گئے شبی کی تلواروں کی کثرت سے نہا ہو گئے شب تلواروں کی کثرت سے نہا ہو گئے شب زہرا کی صدا ہے میرے پیارے کو سنبھالو عرش کے تارے کو سنبھالو یا شیر خدا پیاس کے مارے کو سنبھالو ہاتھوں پا میرے راج دلارے کو سنبھالو ہاتھوں پا میرے سنبھالو نرغے سے یہ مظلوم نکلنے نہیں پاتا بچہ میرا گھوڑے پر سنبھلنے نہیں پاتا بچہ میرا گھوڑے سنبھلنے نہیں پاتا نہ غیب اشرس کی لگی تیجبین پر تھرا گیا گھوڑے پجگر گوشہ حیدر ہر بوس پا جھک کر جو اٹھے سبتے پیمبر ایک بار لگے حلق پا دو تیر برابر ایک بار لگے حلق پا دو تیر برابر ناموسِ نبی گھر سے کھلے سر نکلا وہ تیر گلا توڑ کے باہر نکلا وہ تیر گلا توڑ کے باہر نکلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون الله ربنا ورب آبائنا الأولين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين الهاديين المهديين وندعو جميعا للحجة اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا والدليل وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات يا رسول الله يا يا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تعالى حق سبحانه في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات اللهم صل على محمد آل محمد وعجل عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سامعین محترم آیہ قرآنی کو سرنامہ کلام بنایا ارشاد الہی ہو رہا ہے من عمل صالحا
जो भी अमल सालेह करेगा, जो भी अमल सालेह करने वाला है, मिन ज़करिन और उनसा, वो मर्दों में से हो या औरतों में से, वह वाह मोमिनुन, और ये कि वो मोमिन हो, अमल सालेह करने वाला मोमिन हो। फ़र्क मर्द और औरत से नहीं है, जज़ा व अजर इलाही में फ़र्क मर्द को अलहदा और औरत को अलहदा ऐसा नहीं है, दोनों के लिए यकसा अजर है, मगर शर्त है अजर के लिए ईमान की, वह वा मोमिनुन, और ये कि वो मोमिन हो। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो बस हम उसे अपनी तरफ से हयात तय्यिब अता करेंगे। जो अमल सालेह करने वाला मोमिन है, या जो अमल सालेह करने वाली मोमिना है, हम उसे अपनी तरफ से हयात तय्यिब अता करेंगे। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम हयात तय्यिब अता करेंगे। वलनजज़ियन्नहुम, और उसे बेबहा जजा देंगे। व अजरहुम बेअहसन मा कानू यअमलून, उसके अमल का ऐसा अजर उसको देंगे जिसका वो गुमान भी ना रखता होगा, जिसका वो हिसाब भी ना कर सकता होगा, जिसका वो शुमार भी ना कर सकता हो। यह आयत कुरानी है, और जाहिर है कि फर्श अज़ा दर्स अमल भी देती है और ईमान को तकवियत भी देती है। तारुफ ईमान का जो असल मरकज़ है वो फर्श अज़ा ही है, यहाँ से आप अपने ईमान का तारुफ करवाते हैं, और यही वो फर्श है कि जहाँ आपको अमल के दर्स मिलते हैं। इसलिए यहाँ तस्करे ही ऐसी हस्तियों के किए जाते हैं कि जिनका अमल भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल है और जिनका ईमान भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। हम उसे अपनी तरफ से हयात तय्यिब देते हैं और उसके अमल का ऐसा अजर देते हैं, बेबहा जजा, बेबहा जजा, हद से बढ़ी हुई जजा, और अमल का ऐसा अजर जिसका वो गुमान भी ना रखता होगा। इंसान जब मेहनत करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि उसको उजरत क्या मिलेगी, जितनी मेहनत होती है उसके हिसाब से इंसान अपनी उजरत तय करता है। अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम अपनी उजरत का ख्याल ना करो, तुम ईमान के साथ अमल सालेह करो, ऐसा अजर दूंगा जिसका तुम हिसाब लगा भी नहीं सकते, जिसका तुम गुमान भी ना रखते हो। तो इस आयत कुरानी में चार अहम उनवानात अल्लाह ताला ने फिक्र इंसानी के सामने रखे। पहला उनवान अमल सालेह, मन अमल सालेहन, जो भी अमल सालेह करेगा, जो भी अमल सालेह करने वाला है, मिन ज़करी नौनसा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, वह वा मोमिनुन। दूसरा उनवान है मोमिन, ईमान। पहला उनवान अमल सालेह, दूसरा उनवान ईमान, वह वा मोमिनुन, और ये कि वो मोमिन हो, साहिब ईमान हो। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम अपनी तरफ से अमल सालेह और ईमान रखने वाले बंदे को हयात तय्यिब अता कर देंगे। तीसरा उनवान है हयात तय्यिब, पाकीज़ा हयात, और चौथा उनवान है वलनजज़ियन्नहुम व अजरहुम बे अहसन मा कानू यअमलून, हद से बढ़ी हुई जजा और ऐसा अजर कि जिसका इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। जजा व अजर इलाही,
ये चार उनवान हैं इस आयत में जो अल्लाह ताला ने फिक्र इंसानी के सामने रखे। एक एक करके कोशिश करूँगा, मुख्तसर वक्त है। जाहिर है कि ये मजलिस ARY डिजिटल टेलीविज़न के चैनल पर नशर होने जा रही है, तो इनकी कुछ अपनी टाइमिंग्स होती हैं, लिमिट्स होती हैं, उनको मेंटेन करते हुए मैं हर उनवान के बारे में जो ज़रूरी गुफ्तगू है वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। अमले सालेह की अहमियत क्या है? मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अफसोस है उस शख्स के हाल पर कि जो ईमान पर तकिया करता है मगर अमल सालेह का ज़खीरा नहीं करता। यानी ईमान के साथ अमल सालेह ज़रूरी है, ये इमामुल मुत्तकीन फरमा रहे हैं, ये अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि सिर्फ ईमान पर तकिया करना काफ़ी नहीं है, अमल सालेह है, ज़रूरी है और ज़रूरी भी है। इसलिए कि ईमान मख्फी कैफियत का नाम है, अमले सालेह ज़ाहिरी कैफियत का नाम है। ईमान के तारुफ का जरिया ही अमले सालेह है। किसी को क्या पता किसी का ईमान क्या है, जब तक कि वो अपने अमल से ये इस बात को जाहिर ना करे, प्रूफ ना करे कि मैं मोमिन हूं, मोमिन मैं ही हूं। तो अमल सालेह के लिए इमाम ने ये इरशाद फरमाया। और इससे बढ़कर एक और कुरान की रिवायत की तरफ इशारा कर दूं आपकी खिदमत में, आप सब हजरात के जहन में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया मौजूद होगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया कि नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने वादा किया कि जिन बंदों ने, जिस उम्मत ने तुमको सताया है, मैं उस पर ऐसा अज़ाब नाजिल करूँगा कि वो हलाक हो जाएगी, बस तुम अमले सालेह करने वाले मोमिनों के लिए एक ऐसी कश्ती बनाओ कि जो उस कश्ती में सवार हो जाए तो मैं उसे हलाकत से बचने की बशारत दे दूं, वो हलाकत से बच जाए। नूह अलैहिस्सलाम पहले साहिब शरीयत नबी हैं, पहले साहिब शरीयत नबी, शरीयत का आगाज़ ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हुआ। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से शरीयत का आगाज़ हुआ और अल्लाह ने नूह को पहला हुक्म जो दिया वो ये दिया कि जिनको तुम बचाना चाहते हो या जो बचना चाहते हैं वो नूह नबी अल्लाह की बनाई हुई कश्ती में बैठ जाए। यानी ये भी सुन्नत नबी है नूह के ज़माने से कि नबी एक कश्ती को मुतारिफ करवाए कि जिसमें सवार होने वाला हलाकत से बच जाए। और सरकार रिसालत ने इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह के जैसी है, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह के जैसी है। जो इसमें सवार हो गया वो बच गया और जिसने इससे एतराज़ किया, इससे तकल्लुफ़ किया, इससे किनारा किया वो हलाक हो गया। तो ये निज़ाम तो अल्लाह ने नूह के ज़माने ही में मुतारिफ़ करवा दिया था कि नबी की बनाई हुई कश्ती में, नबी के मुतारिफ़ कराई हुई कश्ती में बैठने वाला बच जाएगा। नूह ने कश्ती बना ली, अल्लाह ने अजाब भेज दिया, ज़मीन व आसमान पर अजाब, ऐसा अजाब कि आसमान से भी पानी बरस रहा है, ज़मीन से भी पानी उबल रहा है, दुनिया पानी पानी हुई है, दश्त व जबल, रेगिस्तानों को सार, आबादियाँ, वीराने, नखलिस्तान, बयाबान, पहाड़, जो कुछ भी है पानी 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 पानी, और उसमें एक नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती तैर रही है।
जहां सब कुछ गरकाब हो रहा है वहां नूह की बनाई हुई कश्ती तैर रही है। ये बहर मवाज ये तूफान बदाखेज नूह की कश्ती का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, नूह की कश्ती तैर रही है। अजीब बात यह है कि नूह की कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमाए और वो बंदे जिन्होंने नूह की दावत को कबूल किया वो भी बैठे हुए हैं, और सिर्फ बंदे ही नहीं है बल्कि जानवराने सहराई भी हैं, वाशतयूर भी हैं, हैवानात हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं। नहीं है तो नूह का बेटा नहीं है, नूह का अपना बेटा सुल्ब से पैदा शुदा वो नहीं है, और कहीं गायब भी नहीं है, नजरों से ओझल भी नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम देख रहे हैं सामने मौजों में, मेरा बेटा थपेड़े खा रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। नूह ने आवाज दी, ए मेरे बेटे अब भी वक्त है, तवज्जो कीजिएगा। नूह ने अपने बेटे को आवाज दी, उम्मती समझ के आवाज नहीं दी, अपना बेटा समझ के आवाज दी। आवाज देने वाला नबी है, आवाज देने वाला बाप है, जिसको आवाज दी जा रही है वो बेटा है। बेटा होने के बाद भी नूह जैसे नबी बाप की आवाज नूह के बेटे ने नहीं सुनी, कहा नहीं मुझे तुम्हारी बनाई हुई कश्ती की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कश्ती में बैठकर अपनी जान बचाने की कोशिश करूंगा ही नहीं। मैं पहाड़ पर, जुमला सुनिएगा, पहाड़ पर चढ़कर जान बचा लूंगा। नबी की आवाज के मुकाबले में पहाड़ पर पनाहगाह तलाश करने का यह पहला वाकया है। ये पहला ऐलान है कि मैं नूह जैसे नबी की बनाई हुई कश्ती में नहीं बैठूंगा, मैं पहाड़ पर चढ़कर जान बचा लूंगा। गोया कुरान पहले से इशारा देता चला आ रहा है, मशीयत इशारे देती चली आ रही है कि नबी की बनाई हुई कश्ती के मुकाबले में पहाड़ों पर चढ़ने वाले नहीं बचते, बचते वो हैं जो नूह की बनाई हुई कश्ती में बैठ जाए। बेटे ने आवाज नहीं सुनी, जब आवाज नहीं सुनी तो क्या हुआ, नूह ने आवाज दी, कई दफा आवाज दी, नहीं आया। अब नूह ने अल्लाह ताला को मुखातिब किया, या अल्लाह तू तो जानता है कि ये मेरा बेटा है। जाहिर है नबी अपने बेटे पर अल्लाह को गवाह ना बनाए तो किसको गवाह बनाए, तू तो जानता है ये मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है। शफकत पदरी ये कह रही है कि बेटा हलाक ना हो, ऐ मेरे अल्लाह तू इसे बचा ले, तू इसे बचा ले। नूह ने ये नहीं कहा कि किसी तरह से तू इसको मेरी कश्ती में भेज दे, नूह ने ये नहीं कहा कि किसी तरह से ये मेरा बेटा तू कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दे कि ये मेरी कश्ती में खुद ब खुद आ जाए, नहीं। नूह ने कहा कि ये मेरी कश्ती में आए या ना आए तू इसे बचा ले, इसलिए कि तेरे कुदरत में ये बात है कि तू इसको बचा सकता है, बगैर कश्ती के भी बचा सकता है। मगर मशीयत बताना ही ये चाहती है कि जब नबी कश्ती मुतारिफ करवा दे तो फिर जो उसमें बैठना पसंद ना करे चाहे वो नबी का बेटा ही क्यों ना हो बचेगा नहीं। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि नहीं ये तुम्हारा बेटा नहीं है, नहीं। कुरान के अल्फाज हैं, इन नबनों का बिल यकीन ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है।
लैसा मिन अहलिक, मगर ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। यानी रिसालत के रिश्तेदारी के लिए सिर्फ बशरी रिश्तेदारी ज़रूरी नहीं है, एक किरदार में मानवी कैफियत होना ज़रूरी है जिससे वो अहलियत पैदा हो जो अहले बैत का तारुफ बनती है। लैसा मिन अहलिक, बेटा तुम्हारा है मगर तुम्हारे अहल में से नहीं। क्यों? फ़इन्नहु गैरुन अमले सालेह, इसलिए कि इसके पास अमले सालेह नहीं है, अमले सालेह नहीं है। अगर अमले सालेह ना हो तो अल्लाह ताला नूह जैसे साहिब शरीयत नबी की सिफारिश उसके अपने बेटे के लिए कबूल नहीं करता। अब उम्मत को खुद ये सोचना चाहिए कि जब अमल सालेह के बगैर नबी के बेटे के लिए नबी की सिफारिश कबूल नहीं हुई तो उम्मत के लिए सिफारिश कैसे कबूल हो जाएगी। लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। वहोवा मोमिन, मगर ये कि वो मोमिन हो। ईमान की क्या ताकत है, ईमान की क्या कुव्वत है, ईमान की कीमत क्या है? कसम खुदा की जो कीमत अल्लाह ताला ने बंदे मोमिन को ईमान की अता फरमाई है वो मोमिन के गुमान में भी नहीं थी। अगर अक्ल इंसानी पर छोड़ दिया जाता कि तुम अपने लिए अमल सालेह और ईमान की कदर कीमत तय कर लो तो रोज़े अजल से लेकर और रोज़े अबद तक कोई अमल सालेह और ईमान की वो कदर कीमत मुतारिफ नहीं करवा सकता था जो अल्लाह ताला ने ख़ुद मुतारिफ करवाई है। अहले ईमान की जानों और माल की क्या कीमत है? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बे अन्ना लहुमुल जन्ना बिल यकीन, अल्लाह ने मोमिन के जान और माल को ख़रीद लिया है, मोमिन की जान को भी ख़रीदा है, मोमिन के माल को भी ख़रीदा है, और इसके बदले में क्या दिया है? बे अन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत दी है। जन्नत बंदे ने नहीं मांगी कि मेरे माल की मेरी जान की कीमत तू मुझे जन्नत दे दे। अल्लाह ताला के ये लुत्फ व करम अज खुद है कि मैं तुम्हें, तुम मुझ पर ईमान लाए हो, तुम मेरी खातिर हलाल और हराम की जहमत में मुब्तला हो, तुम मेरी शरीयत का एहतराम कर रहे हो, तुम मुझसे बेहतर कोई अजर देने वाला नहीं है। ज़िंदगी में भी तुमको ये अजर के जो ग़िज़ा मिलेगी वो पाकीज़ा होगी, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पाक व तय्यब हो जाएगी, खाना भी पाक पीना भी पाक, और आखरत में तुम्हारे लिए जन्नत है। जन्नत से बढ़कर दुनिया की कोई नेमत नहीं है, दुनिया की कोई नेमत जन्नत का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूँ मोमिनों को, बे अन्ना लहुमुल जन्ना, ये ईमान की ताकत है, ये ईमान की कदर व कीमत है। जब ईमान की कदर व कीमत ये है, हर मोमिन के ईमान की कदर व कीमत अल्लाह ताला ने यही रखी है, जन्नत जन्नत जन्नत। अमल सालेह करो ईमान के साथ, जन्नत के हकदार बन जाओ। अच्छा, ये तो तयशुदा उसूल है कि कभी भी उम्मत का और नबी का मामला एक जैसा नहीं हो सकता। जब नबी और उम्मत का मामला एक जैसा नहीं हो सकता तो इमाम का और उम्मत का मामला भी एक जैसा नहीं हो सकता। भाई आप दुनियावी मामलात में देख लेना कि जब किसी कौम का जरगा बुलाया जाता है तो उस कौम के जो सरदार होते हैं उनके बराबर में कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता, उनको एक मुमताज़ व मुमय्यज़ मकाम पे बिठाया जाता है, एक शान शौकत के साथ बिठाया जाता है। जहाँ कौम के सरदार बैठे होते हैं वहाँ कौम के आम आदमी नहीं बैठते, उनके सामने बैठते हैं, वो मुमताज़ जगह पर बैठते हैं, मुमताज़ अतवार के साथ बैठते हैं, मुमताज़ तरीक़ों के साथ बैठते हैं। अगर दुनिया की कौमों के सरदार उनको दुनिया वालों के कायदे कवानीन के मुताबिक आम इंसानों के जैसे नहीं हैं तो जिन्हें अल्लाह ताला ने सरदार बनाया है
किसी को नबियों का सरदार बनाया है, किसी को वलियों का सरदार बनाया है, किसी को जन्नत के जवानों का सरदार बनाया है, किसी को ख्वातीन का सरदार बनाया है। सलावत भेजिएगा। तो इनका मामला एक जैसे कैसा हो जाएगा? इमाम और मामूम बराबर नहीं हो सकते। और अगर इमाम और मामूम बराबर हो जाए, एक जैसे हो जाए, नबी और उम्मती एक जैसे हो जाए, तो फिर हुज्जते इलाही काते हो जाए, मुनकता हो जाए। जब नबी के जैसा उम्मती हो गया तो फिर नबी भेजने की जरूरत क्या है? जब मामूम के जैसा इमाम हो गया तो फिर इमाम भेजने की जरूरत क्या है? इसीलिए तो अल्लाह ताला इन हस्तियों को मौजजात के साथ भेजता है ताकि ये तारुफ करवाएं कि तुम और हो, हम और हैं। इशारतन एक वाकये की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं। मौला से बड़े अजीज और बड़े अजीम मौला अली के सिपा सालार ने, कि जो आज तक तारीख हरब व ज़र्ब में जिसका नाम बड़े बड़े जर्नैल फ़ख्र से लेते हैं, जिस पर अली फ़ख्र करता हो वो कैसा जर्नैल होगा? मालिक अश्तर, एक जुमला कहा, या मौला आज तो मेरे और आपके कुश्ते बराबर हैं। अली ने बड़े गौर से मालिक को देखा, कहा है मालिक अश्तर, तुम्हारा गुमान गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कि अगर इमाम और मामूम का अमल एक जैसा हो जाए तो फिर अल्लाह ने इमाम को बनाया क्यों है? ऐ मालिक, तुम्हारा गुमान है, ख्याल है, ऐसा है नहीं। जाओ अपने कुश्तों की तादाद गिन के आओ। जब वापस आए तो कहा, मौला आपके ही कुश्ते ज़्यादा हैं। कहे मालिक, ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई शख्स अपने इमाम के बराबर अमल करने में कामयाब हो जाए। ये फैसला है, मौला का फैसला है, और मालिक अश्तर का अमल ही जवाब बता रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इमाम ने आगे बढ़कर एक और जुमला कहा कि मालिक, खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी मोहलत दी कि तुम एआदे बैत के लिए अभी तक जिंदा हो। जल्दी करो, तुम बैत से खारिज हो चुके हो, मेरे हाथ पर दोबारा बैत करो। और मालिक अश्तर ने दोबारा बैत की और अली ने मुबारकबाद दी कि या अली, ए मालिक अश्तर, तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ने तुम्हें जाहिलियत की मौत से बचा लिया। सिर्फ एक जुमला कहा था कि मेरे और आपके कुश्ते बराबर हैं, यानी जैसा मेरा अमल है वैसा आपका अमल है, जैसा आपका अमल है वैसा मेरा अमल है। और अली जवाब में कह रहे हैं कि अगर तुम इस अरसे में कि तुम गए और तुमने जाकर अपने कुश्तों की तादाद गिनी और वापस आए, अगर इस लम्हे में तुम्हारी मौत वाकई हो जाती तो तुम जाहिलियत की मौत मरते। कितनी हम कहाँ हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम मारिफत के बाब में कहाँ हैं, हम इमाम को क्या समझ रहे हैं, हम इमाम को कितना पहचान रहे हैं। तो ये इस बात का ऐलान है कि जो अजर उम्मत को मिलेगा वो इमाम को नहीं मिलेगा। इमाम का अजर उम्मत के अजर से बुलंदतर होना चाहिए। जब उम्मत को जन्नत मिल गई, जब मोमिनों को जन्नत मिल गई, आसान कर दूं समझने के लिए, जब मोमिनीन को जन्नत मिल गई तो फिर अमीरुल मोमिनीन को क्या अजर मिलेगा? भाई मोमिनीन की इबादतें कितनी होंगी? पूरी या अज़ल तक अबद नू की
उम्मत के मोमिन, आदम की उम्मत के मोमिन, इब्राहिम की उम्मत के मोमिन, हर नबी की उम्मत के मोमिनों की जितनी भी इबादतें, मगर रसूल का एक जुमला याद रखिए कि अली की एक यौम खंदक की जरबत शकलैन की इबादत से बरतर है। तो जब आम सजदों पर जन्नतें मिल रही हैं तो उस अमीरुल मोमिनीन के सजदों की क्या कीमत होगी कि जिसकी एक जरबत में शकलैन की इबादत तुल रही हो। सलावात भेजिएगा बाज़े वाला। सजदों पर जन्नत मिल रही है, जब आम इबादतों पर जन्नत मिल रही है, तो वो इंसान के जिसकी वो इमाम के जिसकी एक जरबत शकलैन की इबादत से गरातर है, तो जिसकी एक जरबत शकलैन की इबादत से गरातर हो उसको भी अल्लाह ताला जन्नत देगा, तो फिर इतनी मेहनत करने का फायदा क्या हुआ। और फिर उम्मत भी अल्लाह की बनाई हुई है और इमाम भी अल्लाह का बनाया हुआ है। तकाज़ाए अदल इलाही यही है, तकाज़ाए हिकमत इलाही यही है कि इमाम का अजर उम्मत से बरतर होना चाहिए, रुतबा बरतर है, किरदार बरतर है, तो अजर भी बरतर होगा। तो अल्लाह ने इसका इंतज़ाम कर दिया, बेहतरीन इंतज़ाम किया। दुनिया भर में, सारी दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको सोने की उजरत में, जिसको नींद की उजरत में 10 रुपए भी मिले हो। कोई इंसान ऐसा नहीं कि जिसको सोने की उजरत मिली हो, नींद करने की उजरत मिली हो, वन नाइट स्लीप की उजरत मिली हो। कोई इंसान ऐसा नहीं है। बस अल्लाह ने अली को ऐसा बनाया कि जिसकी एक रात की नींद में अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, वमिनन्नासे मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल्इबाद। तमाम इंसानों में एक इंसान ऐसा है जो अपने नफ्स को बेच देता है और अल्लाह की मर्जियों को खरीद लेता है। मोमिन को जन्नत मिलेगी, अमीरुल मोमिनीन को अल्लाह ने अपनी रजाएं अता की हैं, अपनी मर्जियां अता की हैं, और वो भी जिसका सोना इतना कीमती होगा जो वो जागते में अमल करेगा वो कैसा हो। अली सोए, शबे हिजरत सोए, बिस्तरे रसूल पर सिर्फ लेटे नहीं हैं। रसूल का हुक्म यही था, या अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। और अली उस हस्ती का नाम है जो इताअत की मंजिल में कमाल पर है। अली की इताअत ही मौजज़ा है। कोई किसी के कहने से सो नहीं सकता, करवटें तो बदल सकता है मगर कोई किसी के सोने से कहने से सो नहीं सकता। और अली इताअत रसूल की उस मंजिल पर के रसूल ने कह दिया सो जाओ। या अली, तेगों के साए में तो उड़ जाती है नींद। दो मिसरे मुलाहिजा फरमाइएगा। या अली, तेगों के साए में तो उड़ जाती है नींद, आपको तो बिस्तरे हिजरत पे नींद आई बहुत, आपको तो बिस्तरे हिजरत पे नींद आई बहुत। जहां लोगों की नींदें उड़ जाती हैं वहां अली इत्मीनान से सो रहे और फख्र करते हुए फरमाते हैं कि जैसा मैं शबे हिजरत सोया ऐसा मैं कभी नहीं सोया पूरी ज़िंदगी में। मैं कहूँगा मौला, शबे हिजरत के अलावा हमें कोई रात ऐसी मिली नहीं जब हमने ये सुना हो कि अली सोए हैं। शबे हिजरत के अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी रात आई नहीं
कि जिस रात के लिए किसी दुश्मन ने भी ये लिखा हो कि हमने अली को सोते हुए देखा, ये शब हिजरत है कि जिसके लिए हर एक ने यही कहा कि अली सोए, अली सोए, अली सोए। और आप तारीख से वाकया देख लें, सीरत में वाकया मौजूद है, अली बिस्तर रसूल पर सो रहे हैं। अच्छा, ये कहने वाले कि ये कौन सो रहा है, ये सो कौन रहा है, ये मुसलमान नहीं है, ये कुफ्फारान कुरैश हैं जो अली को चादर ओढ़े हुए सोते देखकर ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का रसूल सो रहा है, ये मुसलमानों का नबी सो रहा है। और अली ने भी गहरी से गहरी नींद ली, काफिरों से सारी रात या नबी या रसूल करवाया। काफिरों से सारी रात, काफिरों से सारी रात या नबी या रसूल। अब मैं जुमला कैसे कहूं कि या नबी या रसूल तो शबे हिजरत उन कुफ्फाराने कुरैश ने भी कर लिया कि जो रसूल का कलमा नहीं पढ़ते थे, तो फिर कलमा गोयों को कुछ तो सोचना चाहिए। अजीब बात है, अली सो गए और अली ने सोकर अल्लाह की मर्जियां खरीद ली। वमिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, तमाम इंसानों में से एक इंसान ऐसा है जिसने अपना एक नफ्स बेचा, नफ्स वाहिद बेचा है और अल्लाह की मर्जियां खरीदी हैं। मामूली सौदा नहीं है ये। अल्लाह ताला ने जब मोमिन को बेबहा बदल दिया है, बेबहा अजर दिया है, तो अमीरुल मोमिनीन को भी बेबहा अजर दिया है। अली की तरफ से मुतालबा नहीं है कि मुझे तुम्हारी रजाएं चाहिए, मुझे तेरी मर्जियां चाहिए, नहीं। अली का सोना इतना कीमती था कि अल्लाह ने अपनी मर्जियां निछावर कर दी। अली का सोना इतना कीमती था कि अल्लाह ने अपनी मर्जियां निसार कर दी, निछावर कर दी। जाओ या अली, ऐसी किसी की नींद, किसी का जागते में कोई अमल ऐसा नहीं बिका होगा जैसी तुम्हारी शबे हिजरत की नींद बिक गई है। ये है हयात तय्यब, अमल सालेह भी है, ईमान भी है, हयात तय्यब भी है। बिस्तर हिजरत पर सिर्फ एक नहीं है, बल्कि अली के वजूद में पूरी आयत सिमट कर आ गई है। अमल सालेह से लेकर वही अजर जो इंसान के गुमान में भी नहीं है, वो अजर। वह अजर हम बे अहसन मकानू या अमल। अली सोए शबे हिजरत, अजीब बात है। मजलिस का आगाज़ मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े से किया, इशारा किया था। नूह के बेटे ने नूह का कहना नहीं माना। अल्लाह ने पहले साहिब शरीयत की सुन्नत ये बनाई कि एक ऐसी कश्ती बनाओ जो नबी की कश्ती कहलाए, और जो उस नबी की बनाई हुई कश्ती में बैठ जाए वो बच जाए, उसे हलाकत का अंदेशा नहीं होगा। जब पहले साहिब शरीयत नबी की बनाई हुई कश्ती को अल्लाह ने यह इज्जत दी कि उसमें बैठने वाला बच जाए, तो जो नबी आखिर है जब वो ये कह रहा है
कि मेरे अहले बैत नूह की कश्ती के मिसल हैं, जो इसमें सवार हो जाएगा वो बच जाएगा। मगर अहले बैत में और नूह की कश्ती में एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि नूह खुद अपनी बनाई हुई कश्ती में खुद बैठे हुए हैं। तवज्जो कीजिएगा कि नूह खुद, नूह को बचाने वाली खुद वो कश्ती है जिसमें नूह भी बैठे हुए हैं, यानी नूह कश्ती से मावरा नहीं है। नूह को बचाने वाली नूह की कश्ती है, अपनी कश्ती में नूह खुद बैठे हुए हैं। और नूह का क्या किस्सा है, क्या वाकया है? बड़ी ज़हमत उठाई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, सिर्फ मुद्दत तबलीग तकरीबन 950 साल है। मुद्दत तबलीग, असल उम्र मुबारक तो 1500 साल तक बताई जाती है। जिसने 1000 बरस तबलीग की, उसको उसकी उम्मत ने इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि नूह पत्थरों में छुप जाते थे। अगर मैं ये कहूँ कि इतने पत्थर नूह पर बरसाए जाते थे कि ऐसा लगता था जैसे नूह पत्थरों के दरमियान दफन हो गए, पता नहीं चलता था कि नूह कहाँ है, पत्थरों में छुपे हुए नूह। और अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता था कि जाओ मेरा नबी साहिब शरीयत नबी, उसकी उम्मत ने उसको इतना सताया, वो पत्थरों के बीच में लेटा हुआ है, ज़ख्मी हुआ हुआ है, जाओ मेरे फरिश्तों उन पत्थरों को हटाओ। आसमान से फरिश्ते आते, नूह अलैहिस्सलाम से पत्थर हटाते, ज़ाहिर है जिस पर इतने पत्थर बरसाए गए हों वो कितना ज़ख्मी होगा। फरिश्ते रोकर फरियाद करते, या अल्लाह ये तेरा अजीम नबी, पहला साहिब शरीयत नबी, और ये इतना ज़ख्मी है, हमसे इसके ज़ख्म नहीं देखे जाते, कोई दवा बता ताकि हम इसके ज़ख्मों पर मरहम लगा दें, इसके ज़ख्म मुंदमिल हो जाएं, खून बहना बंद हो जाए। जुमला सुनिएगा, आवाज़ आई, ऐ मेरे फरिश्तों नूह के ज़ख्मों पर अपने पर फेरना शुरू कर दो, नूह के ज़ख्मों को अपने परों से सहलाओ, अपने परों से मस करो नूह के जिस्म को, इसको शफा मिल जाएगी। और यही होता था, यही होता था, यही होता था, ज़ख्मी नूह को फरिश्तों के परों से शफा मिली, फरिश्तों के परों से शफा मिली। और रसूल ने एक और कश्ती मुतारिफ करवाई, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, कसम खुदा की बिल यकीन हुसैन चराग हिदायत भी है और कश्ती निजात भी है। ज़ख्मी नूह सही हो जाते थे, सेहतमंद हो जाते थे। और हुसैन का मौजज़ा देखिए कि जब हुसैन अपने झूले में लेटे हुए हैं, हुसैन झूले में लेटे हुए हैं, एक ज़ख्मी फरिश्ते को लाया गया, एक ज़ख्मी फरिश्ते को लाया गया। अब समझ में आया कि हम क्यों कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबी अल्लाह, ऐ नूह नबी अल्लाह के वारिस हुसैन इब्ने अली, आप पर हमारा सलाम हो, इसलिए कि नूह के लिए फरिश्तों के पर मरहम बन जाते थे और जख्मी फरिश्ते के लिए हुसैन का झूला मरहम बन रहा है। ज़ख्मी फरिश्ते के लिए, ज़ख्मी फरिश्ते के लिए, आप बड़ी एहतियात से अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि एतराज़ का मौका न पैदा हो। किसी ने सुना है कि फितरुस या और भी कई नाम इसके
इस फरिश्ते के बताए जाते हैं, सलसाइल, दरदाइल और नाम बताए जाते हैं। ये जो कोई भी फरिश्ता आया था, जो ज़ख्मी था, जो अपने बालों पर खो चुका था, क्या कभी ये कहा किसी ने सुना ये कि उसको हुसैन के जिस्म से मस किया गया हो? नहीं, जब भी सुना यही सुना, जब भी पढ़ा यही पढ़ा कि जिस झूले में हुसैन लेटे हुए थे उस झूले से फरिश्ते को मस कर दिया गया। उस झूले से हुसैन के उस झूले से जख्मी फरिश्ते को मस कर दिया गया। अगर कहीं हुसैन के जिस्म से फरिश्ता मस हो जाता तो न जाने क्या मंजिल होती। सिर्फ झूले ने पर अता किए, हुसैन का मौजजा है, ये मामूली बात नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबी अल्लाह, ए नूह नबी अल्लाह के वारिस हुसैन इब्ने अली, आप पर हमारा सलाम हो। आप ये बताएं कि वो फरिश्ता जिसने हुसैन का झूला झुलाया हो, जिसने हुसैन को गोदी में ऐसे खिलाया हो जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में खिलाती है, उस फरिश्ते ने हुसैन इब्ने अली के 1999 जख्मों को कैसे देखा हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मामूली बात नहीं है, किसी के जिस्म पर एक जख्म लग जाए, दूसरा जख्म लगे, तीसरा जख्म लगे, और फिर जख्म लगते चले जाए, और फिर एक जुमला कहने की इजाज़त दीजिए मुझे कि हुसैन के जिस्म से ज़्यादा हुसैन का दिल ज़ख्मी था, हुसैन के जिस्म से ज़्यादा हुसैन का दिल ज़ख्मी था। इसलिए कि जिस्म पर तो सिर्फ तलवारों के वार थे, जिस्म पर सिर्फ तीरों के ज़ख्म थे, जिस्म पर सिर्फ नेज़ों के ज़ख्म थे, जिस्म पर सिर्फ पत्थरों के ज़ख्म थे। इस दिल ने अली असगर का ज़ख्म उठाया, इस दिल ने अली अकबर का ज़ख्म उठाया, इस दिल ने हबीब मुस्लिम इब्न औसजा हुर जैसे दोस्तों के ज़ख्म उठाए, और सिर्फ ज़ख्म नहीं खाए बल्कि लाशें भी उठाए। 70 लाशें उठाने वाला हुसैन असर आशूर ज़ख्मों से चूर अपनी सवारी पर झूम रहा है, कभी दाएं जानिब कभी बाएं जानिब, कभी दाएं जानिब कभी बाएं जानिब। और मक्तल और तारीख की रिवायात यहाँ हम ज़बान हैं कि जब हुसैन दाएं जानिब गिरना चाहते थे, उतरना चाहते थे, तो नेज़ा बरदार हुसैन की पसलियों में नेज़े चुभोते थे और हुसैन फिर अपनी सवारी पर संभल कर बैठ जाते थे। फिर जब बाएं जानिब उतरना चाहते थे हुसैन, फिर इस तरफ से नेज़ा कोई अनीचा बोई जाती थी और फिर हुसैन सीधे होकर बैठ जाते थे। ऐसे में जब उम्मत को हुसैन के ज़ख्मी होने का कोई ख्याल ना आया, इंसानों ने हुसैन पर रहम नहीं खाया, तो वो नाना की सवारी का जानवर जो हुसैन की सवारी में था, उसने अपने मालिक को ज़मीन पर उतरने के लिए अपनी अजीब खिदमत पेश की, आगे के पैरों को समेटा, पीछे के पैरों को फैलाया, अपने शिकम को ज़मीन से टिकाया और एक ऐसी करवट ली कि फातिमा जहरा की गोद का पाला आसानी के साथ ज़मीन पर उतर जाए। मगर अरबाब अज़ा हुसैन इब्न अली पुश्त फरस से तो जुदा हुए मगर ज़मीन तक नहीं पहुँचे। मेरे इमाम ने सलाम किया है कि मेरा सलाम हो उस सवार पर कि जो पुश्त फरस से जुदा होने के बाद ज़मीन पर नहीं पहुँचा बल्कि उसको नेज़ों ने उठाया हुआ था, टूटे हुए तीरों ने उठाया हुआ था, टूटी हुई तलवारों ने उठाया हुआ था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ख्मी हुसैन
कभी दाईं जानिब उतरने की कोशिश करते हैं, कभी बाईं जानिब उतरने की कोशिश करते हैं। नाना की सवारी का घोड़ा हुसैन को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी फराहम कर चुका। एक दफ़ा ज़ख्मी हुसैन ज़मीन पर आए और मिट्टी जमा करना शुरू की ताकि सजदे आखिर बजा लाया जा सके। हुसैन सजदे आखिर के लिए रेत जमा कर रहे हैं, उधर से शिमरे मलून खंजर लिए हुए बढ़ा। अल्लाह अल्लाह, वो सीना जिसको रसूल चूमा करते थे, वो सीना जिसके जहरा बोसे लिया करती थी, उस सीना वो सीने पर शिमरे मलून का पाँव। आसमान क्यों नहीं टूट पड़ा, ज़मीन क्यों नहीं शक हो गई। अल्लाहु अकबर, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, शहादत नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ। इस बेकसी के आलम में हुसैन के लबों पर अपने कातिलों के लिए बद्दुआ नहीं थी। खुद शिमर ने मुख्तार के दरबार में इस बात का इकरार किया कि जब मैं हुसैन की गर्दन पर खंजर रख रहा था तो मैंने देखा कि हुसैन के लब हिल रहे हैं, हुसैन के लब हिल रहे हैं। मैं समझा कि शायद हुसैन उम्मत के लिए बद्दुआ कर रहे हो। मैं अपने कानों को हुसैन के होठों के करीब ले गया। मैंने सुना हुसैन कह रहे थे, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अला मिल्लत रसूलल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तू अपना वादा पूरा कर दे। मैं सीधा होकर बैठ गया, हुसैन का सर तन से जुदा करने की कोशिश में मसरूफ हो गया। एक दफ़ा फिर मैंने हुसैन के लबों को हिलते हुए देखा। मैं फिर कान करीब लेकर गया, अब बद्दुआ दे रहे होंगे, मुझे बद्दुआ दे रहे होंगे। नहीं, हुसैन के लबों पर सिर्फ दो दफ़ा आया, उख्ती ज़ैनब, उख्ती ज़ैनब, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, ऐ मेरी बहन ज़ैनब। अरबाब अज़ा मैदान करबला में दो भाइयों ने अपनी बहनों को याद किया है, एक हुसैन ने वक्त ज़बह अपनी बहन ज़ैनब को याद किया, दूसरे अली अकबर के लाश पर जब हुसैन पहुँचे हैं और अली अकबर को तड़पते हुए देखा, अपने कानों को अली अकबर के लबों से लगाया, ऐ अली अकबर, अगर कोई हाजत है तो बयान करो, अगर कोई वसीयत है तो बयान करो, अगर कोई फरमाइश है तो बयान करो। पानी तो नहीं पिला सका हुसैन, पानी तो नहीं पिला सका हुसैन, मगर इस वक्त तुम्हारी वसीयत हुसैन पूरा करने की कोशिश करेगा। एक दफा अली अकबर के लबों पर जुमला आया, ऐ बाबा, मुझे मेरी बहन फातिमा सुगरा याद आ रही है, मुझे मेरी बहन फातिमा सुगरा याद आ रही है। अरे वो इंतज़ार में बैठी होगी कि अली अकबर लेने के लिए आता होगा। कहा, अच्छा अच्छा मेरे लाल, अपनी बहन का चेहरा देखना चाहोगे, अपनी बहन की ज़ियारत करोगे, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की ज़ियारत करवा दूँ। ज़ाहिर अली अकबर ने इकरार किया होगा, ऐ बाबा, यकीनन इस आखिरी वक्त में आप मुझे मेरी बहन की ज़ियारत करवा दें। हुसैन ने कहा, ज़रा मेरी इन दो उंगलियों के दरमियान देखो। हुसैन ने अपने लाल की आंखों के सामने दो उंगलियों का इशारा किया। अली अकबर की बेचैनी और बढ़ गई, अली अकबर के नाले और बढ़ गए, अली अकबर की आहें और बढ़ गईं। अब हुसैन ने तड़प कर पूछा, ऐ अली अकबर, मैंने तो तुम्हारे लिए फातिमा सुगरा का दीदार मुहैया किया था ताकि तुम्हें कुछ राहत मिले, तुम तो और बेचैन हो गए। कहा, बाबा बाबा, फातिमा सुगरा मेरे हुजरे के
सीढ़ियों पर बाल खोले हुए बैठी हुई आवाज दे रही है, ऐ नाली ऐ नाली ऐ नाखी ऐ नाखी, ऐ मेरे अली अकबर कहाँ है, ऐ मेरे भाई अली अकबर कहाँ को जाते हुए सर झुकाए हुए शैन रुक कहा अलविदा 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 अलविदा, आया वक्त सफर ए बहन आज हम हो रहे हैं जुदा अलविदा 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 अलविदा, शाह भय कर बहर के गले मज़लूम प्यासी मुसाफिर बहन तेरा हाफिज खुदा अलविदा 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 अलविदा, रन को जाते हुए सर झुकाए हुए शैन रुक कहा अलविदा 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 अलविदा, ले के बाली सके से रस बेटी को तकते हुए आह भर कर कहा अलविदा 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 अलविदा, आया खैमे में से से रस चारों तरफ देख कर शैन खुद ही कहा अलविदा 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 अलविदा, जब तड़प कर कहा लाश भेस से आई सदा ऐ शहे कर भला अलविदा
अलविदा अलविदा अलविदा ऐसा मातम करो ऐसा मातम करो पाक बीबी को है।